आज की रेसिपी है बकरीद स्पेशल मटन मंडी फ्रॉम यमन। ये इंडियन बिरयानी से काफी अलग माइल्ड इन फ्लेवर और बहुत ही टेस्टी होती है। दोस्तों मैं हूं सलमा आपकी कुकिंग फ्रेंड, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले हम लैम्ब लेग पीस को इस तरह से डीप कट्स लगाकर इसे मैरिनेशन के लिए तैयार कर लेंगे। ये काफी टेंडर है, इसका पूरा वजन सिर्फ 900 ग्राम है। इसकी जगह आप बिरयानी के मटन पीसेस भी ले सकते हैं। अब जरूरत अनुसार नमक को कट्स के अंदर अंदर तक दोनों तरफ अच्छे से मल लेंगे। दो चुटकी जाफरान को गुनगुने पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो लिया है। इसमें एक टेबलस्पून जैतून का तेल, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और दो टेबलस्पून नींबू का रस डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बन गया हमारा फर्स्ट मैरिनेशन। इसे मीट पर अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। डायरेक्ट अपने हाथ से मत लगाइएगा, जाफरान और हल्दी का रंग आपके उंगलियों पर चढ़ जाएगा। इसे कवर करके आधा घंटा रेस्ट होने देते हैं, तब तक मंडी मसाला तैयार कर लेंगे। दो टेबलस्पून साबुत धनिया, दो टेबलस्पून सौंफ, दो बड़ी इलायची, 8 हरी इलायची, 15 लौंग, 4 इंच दालचीनी, 2 स्टार अनिस, 1 जावित्री का फूल और 4 तेजपत्ता। दालचीनी और तेजपत्ता को तोड़कर शामिल करेंगे। धीमी आंच पर सिर्फ 2 मिनट के लिए हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, जिससे कि मसालों के फ्लेवर्स अच्छे से एनहांस हो जाए। फिर इन्हें ठंडा करके बारीक पीस कर मसाला रेडी कर लेंगे। इसी मसाले में 1 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर भी शामिल कर दें। अब 2 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून काली मिर्च को अलग से भुनकर इसका दरदरा पाउडर बनाकर इसे भी साइड में रख लेंगे। सेकेंड मैरिनेशन के लिए 1 टेबलस्पून कच्चे पपीते का पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 टीस्पून मंडी मसाला और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट। कच्चा पपीता एक बहुत ही अच्छा मीट टेंडराइजर होता है। कच्चे पपीते को इसके हरे छिलके के साथ ही पीसकर पेस्ट बना लेंगे। ये हो गया हमारा सेकेंड मैरिनेशन भी तैयार। इसे भी मीट पर अच्छे से मल लेंगे। अब आखिर में जो जीरा और काली मिर्च का पाउडर बनाकर रखा था ना, इस तरह से स्प्रिंकल करके सारे लैम लेग पर लगा लेंगे। बकरी की रान में यहाँ पर जो नर्व होता है, इस तरह से कट लगाने पर ये अच्छे से बेंड हो जाएगा और आपके किसी भी बर्तन में आराम से आ जाएगा। अब ये जाएगा फ्रिज में ओवरनाइट मैरिनेशन के लिए। अगले दिन का काम बहुत ही आसान है। 1 पॉट मटन मंडी बनाने के लिए एक खुला बर्तन लेकर इसमें 2 टेबलस्पून जैतून का तेल डालकर सबसे पहले थोड़े बादाम और किशमिश को तलकर इसे साइड में रख लेंगे। क्योंकि ये यमन की रेसिपी है, इसलिए जैतून का तेल यूज कर रहे हैं। इसकी जगह आप कोई भी अपने मनपसंद का तेल या घी ले सकते हैं। अब थोड़े गाजर को भी इसी तरह से तलकर इन्हें भी साइड में रख लेंगे। अब इसी तेल में 100 ग्राम स्लाइस कट की हुई प्याज को डालकर इसका हल्का सा रंग बदलने तक फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल और हरी कच्ची मिर्च, 3 हरी इलायची, 4-5 लौंग, 2 इंच दालचीनी और थोड़ा सा तेज पत्ता डालकर अदरक लहसुन की खुशबू आने तक अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1/2 kg कम से कम आधा घंटा पहले भिगोए हुए बासमती चावल और
3 टीस्पून मंडी मसाला जो हमने पहले बनाकर रखा था। अमूमन एक हिस्सा चावल का और दो हिस्से पानी का लिया जाता है। इस कप से चावल 3.5 कप मेजर हुए थे, उस हिसाब से 7 कप पानी जाएगा, मगर हम ले रहे हैं यहाँ पर 1 कप कम यानी 6 कप पानी। इसके साथ जो हम लैम्ब लेग स्टीम करेंगे उससे भी थोड़ा पानी रिलीज होगा। थोड़ा सा नमक और 1 सूखा नींबू, मेरा नींबू इतना ही सूख पाया है। अरेबिक रेसिपीज में काफी सूखा काला रंग का नींबू यूज किया जाता है, फ्लेवर तो आ ही जाएगा। अब इसे कवर कर देंगे ये थिक एल्युमिनियम शीट से। मैंने यहाँ 3 लेयर्स एल्युमिनियम शीट के लिए हैं ताकि ये स्ट्रॉन्ग रहे। इस पर एक वुडन स्कीवर की मदद से इस तरह से होल बनाकर एक मेश रेडी कर लिया है। ये मैंने यूट्यूब से ही देखा है, अगर आपके पास भगोने के बराबर की छलनी जैसी प्लेट हो तो आप उसे यूज कर सकते हैं। इस तरह से इस पर मीट रखकर इसके लिड को आटे की मदद से टाइट बंद कर देंगे। कहीं से भी स्टीम लीक नहीं होना चाहिए, जब तक हम ये सब कुछ कर रहे हैं हम फ्लेम को लो ही रखेंगे। अब मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे कम से कम 45 मिनट्स के लिए पकने दें। 3.25 घंटा हो चुका है, फ्लेम को बंद करके लिड ओपन करते हैं। जैसे ही लिड ओपन करेंगे जाफरान सौंफ और मसालों की खुशबू सारे घर में फैल जाएगी। ये देखिए चावल भी कितने बढ़िया और खिले खिले बने हैं। अब एक पैन में थोड़ा सा बटर गरम करके स्टीम किया हुआ लैम्ब लेग दोनों तरफ से क्रिस्प लाल होने तक रोस्ट कर लेंगे। बेसिकली मंडी तंदूर में बनती है तो इसे स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हम इस तरह से एक एल्युमिनियम फॉइल की कटोरी बनाकर इसमें जलता हुआ कोयला रखकर इस पर 1/2 चम्मच घी डालकर इस तरह से लिड बंद कर देंगे और अच्छे से 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तब तक हम इसके साथ सर्व होने वाली तीखी चटनी बना लेंगे। 2 बड़ी लहसुन की कलियां, 2 लाल टमाटर, लाल और हरी कच्ची मिर्चें, 1 टेबलस्पून नींबू का रस और स्वाद अनुसार नमक डालकर इसे दरदरा पीस लेंगे। चटनी भी तैयार है, बढ़ते हैं सर्विंग की ओर। इसका सर्विंग का तरीका थोड़ा सा अलग है। पहले हम इस कोयले को हटा लेंगे। अब एक थोड़ा खुला बर्तन लेकर इस पर चावल इस तरह से डाल दें। इसके ऊपर आएंगे फ्राइड ऑनियंस, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, फ्राइड गाजर और किशमिश और बादाम जो हमने तल कर रखे थे। सबसे ऊपर आएगा लैम्ब लेग रोस्ट। तैयार है हमारी मटन मंडी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रेसिपी, अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।